तेरा अंग अंग मुस्काया, जानी न नजर पहचान जिगर। ऐसा जादू डाल रे बल मान जानी, घड़ी घड़ी मचल रे जिगन चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी आए रे। आइए दोस्तों बात करते हैं साल 1953 की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में और सुनते हैं उनके सुपरहिट गानों की झलकियाँ। इस साल 10वें नंबर पर थी फिल्म राही। इसमें मुख्य कलाकार हैं देवानंद, बलराज साहनी, नलिनी जयवंत, डेविड मनमोहन कृष्ण और अचला सचदेव। निर्देशन किया था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। बजट था 25 लाख रुपये, कमाई की थी 35 लाख रुपये की और ये फिल्म बिलो एवरेज रही थी। गीत लिखा था प्रेम धवन ने, संगीतबद्ध किया था अनिल विश्वास ने, गाया था हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, मीना कपूर और समूह ने। नौवें नंबर पर थी फिल्म आ है। इसमें मुख्य कलाकार हैं राज कपूर, नरगिस, प्राण, रमेश सिन्हा, भूपेंद्र कपूर, लीला मिश्रा और मुकेश। गायक मुकेश ने फिल्म के एक गाने में गाड़ीवान की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी आए। निर्देशन किया था राजा नवाथे ने। बजट था 25 लाख रुपए, कमाई की थी 38 लाख रुपए की। फिल्म उम्मीद के अनुरूप कारोबार नहीं कर पाई और बिलो एवरेज रही थी। थी उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, कितना प्यार में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जय किशन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। मैं करती क्यों वो इतना प्यार, मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए। आठवें नंबर पर थी फिल्म हम सफर। इसमें मुख्य कलाकार हैं देवानंद, कल्पना कार्तिक, स्मृति विश्वास, जॉनी वॉकर और चेतन आनंद। निर्देशन किया था एएन बैनर्जी ने। 20 लाख के बजट के साथ बनी फिल्म ने 40 लाख रुपए की कमाई की थी और एवरेज रही थी। कोई दूर बजाई बांसुरी छेड़े दिल के साथ। गीत लिखा था शायर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया था उस्ताद अली अकबर खान ने और गाया था लता मंगेशकर ने। रात कोई दूर बजाई। सातवें नंबर पर थी फिल्म शिकस्त। इसमें मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, नलिनी जयवंत, दुर्गा खोटे, के एन सिंह और ओम प्रकाश। निर्देशन किया था रमेश सहगल ने। बजट था 25 लाख रुपए और कमाई की थी 45 लाख रुपए की। फिल्म को एवरेज की श्रेणी में रखा गया था। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जय किशन ने। जब जब फूल खिले, गाया था तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। जब जब फूल खिले, देख अकेला हमें। छठे नंबर पर थी फिल्म जमेला। इसमें मुख्य कलाकार हैं भगवान दादा, गीता बाली, सुंदर, अनवर हुसैन और बद्री प्रसाद। निर्देशन किया था भगवान दादा ने। साल 1951 में भगवान दादा ने गीता बाली को लेकर फिल्म अलवेला बनाई थी। अलवेला बड़ी हिट साबित हुई थी। जमेला को अलवेला जितनी सफलता नहीं मिली थी। इसका बजट था 22 लाख रुपए, कमाई की थी 50 लाख रुपए की और सेमी हिट की श्रेणी में रखी गई थी। देखो जी देखो, मेरा दिल लेके दगा नहीं देना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया था श्री रामचंद्र ने। थोड़े तो दिल ऐसे बतिया न कहना, पिया चुप रहना। गाया था लता मंगेशकर ने। कसम तुम्हें मेरी है, दिल में बसा के भुला नहीं दे।
पांचवें नंबर पर थी फिल्म फुटपाथ। इसमें मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, मीना कुमारी, अचला सचदेव, अनवर हुसैन, जानकी दास और जगदीप। निर्देशन किया था जिया सरहदी ने। फिल्म का बजट था 25 लाख रुपए और कमाई की थी 55 लाख रुपए की। ये सेमी हिट साबित हुई थी। शामे गम की कसम आज गमगीन हम आ भी जा। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था खयाम ने और गाया था तलत महमूद ने। चौथे नंबर पर थी फिल्म परिणीता। इसमें मुख्य कलाकार हैं अशोक कुमार, मीना कुमारी, असित वरन, नजीर हुसैन, बद्री प्रसाद, प्रतिमा देवी और मनोरमा। निर्देशन किया था विमल रॉय ने। बजट था 28 लाख रुपए, कमाई की थी 60 लाख रुपए की और सेमी हिट साबित हुई थी। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के। गीत लिखा था भरत व्यास ने, संगीतबद्ध किया था अरुण कुमार मुखर्जी ने, गाया था आशा भोसले ने। चलो दुल्हनिया पिया से मिलने छोटा सा घूंघट निकाल के। तीसरे नंबर पर थी फिल्म दो बीघा जमीन। इसमें मुख्य कलाकार हैं बलराज सहनी, निरूपा रॉय, मुराद, मास्टर रतन, जगदीप और नजीर हुसैन। मेहमान भूमिका में मीना कुमारी भी हैं। निर्देशन किया था विमल रॉय ने। बजट था 30 लाख रुपए, कमाई की थी 70 लाख रुपए की और ये भी सेमी हिट साबित हुई थी। धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के मौसम भी था। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था सलील चौधरी ने, गाया था मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको। दूसरे नंबर पर थी फिल्म लड़की। इसमें मुख्य कलाकार हैं किशोर कुमार, भारत भूषण, वैजयंती माला, अंजलि देवी, ओम प्रकाश, लीला मिश्रा और राज मेहरा। निर्देशन किया था एम वी रमन ने। बजट था 22 लाख रुपए, कमाई की थी 80 लाख रुपए की और ये हिट साबित हुई थी। तोड़ के दुनिया की दीवार बलमवा कर ले मुझसे प्यार जो होगा दे। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया था धनीराम आर सुदर्शन ने। देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो, गाया था लता मंगेशकर ने। सजनिया ने ना कर ले चार, मुहब्बत हो जाए एक बार जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले नंबर पर थी फिल्म अनारकली। इसमें मुख्य कलाकार हैं प्रदीप कुमार, वीना राय, कुलदीप कौर, रूबी मेर, एस एल पुरी, मुबारक और मनमोहन कृष्ण। निर्देशन किया था नंदलाल जसवंतलाल ने। बजट था 30 लाख रुपए, कमाई की थी 1.25 करोड़ लाख रुपए की। इसे सुपरहिट की श्रेणी में रखा गया था। जो किसी का हो गया। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया था श्री रामचंद्र ने। प्यार ही में खो गया ये जिंदगी उसी की। गाया था लता मंगेशकर ने। जिंदगी है बेवफा लूट प्यार का। साल 1953 में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का जादू नहीं चला। हालांकि उनकी फिल्में टॉप 10 में शामिल रही, लेकिन पहले नंबर पर प्रदीप कुमार और बीना राय ने बाजी मारी। दूसरे नंबर पर किशोर कुमार और भारत भूषण की फिल्म लड़की हिट रही। अनारकली और लड़की को छोड़कर किसी भी फिल्म को हिट की श्रेणी में नहीं रखा गया था। हालांकि फिल्म दो बीघा जमीन, परिणीता, फुटपाथ, शिकस्त और आह अच्छी फिल्में हैं और इनके गाने सुपरहिट हैं जो आज भी पसंद किए जाते हैं। एक बार कहो जादू कर ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया।